आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि इस साल 17 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, मतलब 16 जुलाई की रात को, 12 बजे के बाद तारीख बदल जाता है, तो 17 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उस पर किस राशि के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि बुरा असर हमारे राशि पे नहीं पड़े। पंचांग के अनुसार आषाढ़ी पूर्णिमा पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वैगृति योग विशिष्ट करण और ग्रहण अवधि में चंद्रमा धनु राशि में रहेगा, शनि और केतु पहले से धनु राशि में। इनके साथ चंद्रमा के होने से त्रिग्रही युति बनने से मौसम में तेजी से बदलाव दिखाई देंगे। तो किस राशि पर इसका क्या इफेक्ट होगा और हम क्या उपाय करें, ये बेसिकली हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों के लिए बहुत खास रहने वाला है। रुके हुए कार भी बनेंगे, शत्रु भी निर्मल होंगे। तो सबसे पहले हम आपको मेष राशि का बताएंगे और साथ में हम आपको उपाय भी बताते चले जाएंगे। देखिए, मेष राशि के जातकों को ये चंद्र ग्रहण यश और सम्मान की प्राप्ति दिलाएगा। इस राशि के जातकों पर ग्रहण का एक पॉजिटिव जो इफेक्ट होता है वो पड़ेगा। जो आपके काम जो बंद पड़े हुए हैं वो शुरू होंगे, आपकी इनकम जो है वो अच्छी होगी, आपके जो एनिमीज हैं वो बैकफुट पे रहेंगे, लेकिन आपका जो हेल्थ है वो कुछ गड़बड़ रह सकता है, हेल्थ आपको परेशान कर सकता है। स्पेशली महिलाओं को अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी डिसीज़न आप जल्दबाजी में नहीं लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपको नुकसान कर जाएगा। मेष राशि के जातकों को भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का मंत्र 3 माला जाप करना है, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जातकों को हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगे और हो सकता है कि कुछ गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। सडनली आपके जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाएंगे, आपके जो मोस्ट ट्रस्टेड लोग होंगे उनसे आपको धोखा मिल सकता है, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका हेल्थ आपको परेशान कर सकता है। हमारा पर्सनल सजेशन है आपको कि आप नए मित्र नहीं बनाएं। यदि आप कोई ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ से आपको डेफिनेटली लाभ होगा, विदेश के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और स्त्री पक्ष से सुख समाचार मिलने की उम्मीद है। वृषभ राशि वाले हम आपको अचूक उपाय बता दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे कि सफ़ेद कपड़ा, चावल, तो सफ़ेद चीज़ों को आपको दान करना। अब है मिथुन राशि। मिथुन राशि को मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, मेंटल टेंशन होगा, पर बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो स्ट्रांग होगी। लेकिन जो व्यापारीगण है, जो बिजनेसमैन है, और यदि वो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। प्रेग्नेंट महिलाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा और जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपका मान सम्मान सब बढ़ेगा, तो ये आपको बेनिफिट होगा। मिथुन राशि वाले हम आपको उपाय बता देते हैं, बहुत ही सरल उपाय है। मिथुन राशि वाले जातकों को कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक मतलब शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध से। अब आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक, आपको मुनाफा मिलने की संभावना है, डेफिनेटली आपको होगा, पर ओवरऑल देखा जाए तो जो प्रभाव है आपके ऊपर वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं पड़ेगा।
जिसके कारण जो माइनस पॉइंट है, हस्बैंड वाइफ में कुछ टेंशन बिल्डअप हो सकता है, एक दूसरे से विवाद हो सकता है, परिवार में किसी से भी झगड़ा हो सकता है, तो इस समय आपको किसी प्रकार का रोग होने का भी खतरा है। तो इसलिए आपको खान पान पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय आपको अपने बिजनेस पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए आपको अपने वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। और जितना हो सके आप भगवान का पूजा करें, उनका दर्शन करें, यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम आपको उपाय बता देते हैं। आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ये आपके लिए जाप है। अब आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को मन जो है वो परिवार की चिंता से दुखी रह सकता है, फैमिली के बारे में ज्यादा सोचेंगे आप। पर अच्छी बात यह है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, आप कोई नए काम करने की प्लान कर सकते हैं, आप जो इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आपको फायदा होगा, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, आपके इनकम के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, पारिवारिक सुखों में आपकी वृद्धि होगी सिंह राशि वाले। फिर भी आप उपाय कीजिएगा, और आप उपाय आपके लिए ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं दवाइयों की, जिनको ज़रूरत है आप उनको दवाई का दान करें, और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कीजिए। अब है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जो आ रहा है चंद्रग्रहण, मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, जो आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा हानि का योग बन रहा है, शत्रु काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, शत्रु इन द सेंस आपके जो अपोनेंट्स हैं, जो आपके बिजनेस राइवल्स हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कार्यस्थल पर, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। इवन जो जीवन साथी है उनके साथ भी थोड़ी सी अनबन होगी आपकी। उपाय बता देते हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना है, कोई टेंशन मत लो आप, सब ऊपर वाला अच्छा करेगा। अब तुला राशि। तुला राशि के लिए यह मिला जुला प्रभाव देगा। माइनस पॉइंट ये होगा कि आपके जो मदर हैं उनकी थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, और फैमिली में थोड़ा सा कलह का माहौल बन सकता है। यदि आप रिलेशनशिप वगैरह में हैं तो वहाँ पर तनाव उत्पन्न हो सकता है, फ्रेंड्स आपको धोखा दे सकते हैं। सजेशन मेरी ये है कि आप निवेश करने से बचें, आपकी कीमती वस्तुएं चोरी हो सकती है, तो कीमती वस्तुओं का ध्यान रखिएगा। फिर भी उपाय तो आपको करना है, उपाय हम आपको बता देते हैं। आप सफ़ेद चीज़ों का दान करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः, और अपनी माता को आप कोई सफ़ेद चीज़ आप गिफ्ट करें। माता नहीं है तो फिर आप किसी को भी दान कर सकते हैं, जो बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग महिला कभी भी हमारी माता के समान ही होती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मान सम्मान में थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना है, और जो आपके जो काम है, जो वर्क आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हो सकता है, नौकरी में थोड़ी सी तनाव वाली स्थिति बन सकती है, यदि कोई मैरिज वगैरह का प्रपोजल है तो वहाँ पर अड़चनें आ सकती हैं, यदि आपके पास गाड़ियाँ वगैरह हैं तो थोड़ा सा संभाल के चलिए, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है। एंगर मैनेजमेंट आपके लिए ज़रूरी है, क्रोध काफ़ी ज़्यादा आएगा, और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से आप बचें, मैं यही कहूँगा। अब हम उपाय बता देते हैं। आपको उपाय ये करना है कि आप सभी लोग योग और पूजा पाठ का सहारा लें, योग हेल्थ के लिए, पूजा पाठ दान पुण्य आप कीजिए, आपके लिए यही उपाय है। अब धनु राशि। किसी परिचित से आपको विश्वासघात मिल सकता है, इसकी संभावना है। धनु राशि के जातक जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो पहले से अच्छी होगी, अचानक कैसे धन लाभ हो सकता है, हेल्थ के हिसाब से अच्छा रहेगा आपके लिए, पुरानी कुछ बीमारी है उससे भी आपको राहत मिलेगी, अध्यात्म की तरफ आपका जो मन है वो आकर्षित होगा। धनु राशि के जातक,
आपको उपाय यह है कि आप 11 माला जाप कीजिए और मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब मकर राशि, मकर राशि आपको शत्रुओं से थोड़ा सा भय रहेगा और मेरी सजेशन ये है कि आपके पास जो पैसा है आप उसको थोड़ा सा सोच समझ के खर्च कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। बुजुर्ग लोग जो एल्डरली पीपल हैं उनको ग्रहण के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। इस दौरान आप ट्रैवलिंग करने से बचें, वाहन सावधानी से चलाएं, यदि आप खुद चलाते हैं तो, यदि आपके पास ड्राइवर है तो उसे भी कहिए कि थोड़ा सा हिसाब किताब से चलाएं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, थोड़ा सा दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके लिए उपाय मैं बता रहा हूँ, आप शिव शंकर परिवार मतलब पार्वती शिव गणेश और कार्तिक उनकी पूजा कीजिए और शिवाष्टक का पाठ करें, आपके लिए उपाय है। अब कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को सफलता और लाभ प्राप्ति के संकेत है, तो कुंभ राशि के लिए अच्छा है एक्चुअली में, पर कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण जो है नुकसान भी देगा और नुकसान ये है कि थोड़ा सा नकारात्मक असर पड़ेगा आपके ऊपर और वो आपके हेल्थ पे पड़ेगा, हेल्थ में गिरावट आएगी। तो हेल्थ में गिरावट आएगी तो हो सकता है हॉस्पिटल के आपके चक्कर लग जाएं। व्यापार जो है थोड़ा सा धन के हानि के योग है तो निवेश करने से बचें आप। नौकरी में नई समस्याएं थोड़ी बहुत उत्पन्न हो सकती है, मन अशांत रहेगा। उपाय हम आपको बता देते हैं कुंभ राशि वाले, आसान उपाय है, आप शिवलिंग पर दाएं हाथ से राइट हैंड से आप शहद चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपनी माता का चरण स्पर्श करें। अब मीन राशि, मीन राशि आपके परिवार में सुख चैन बना रहेगा, मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा, किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, प्रेम संबंधों में यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो धोखा हो सकता है, ज़रूरी कार्यों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न हो सकता है, किसी लंबी यात्रा पर नहीं जाएं, छोटी यात्रा चलेगा और धन को बड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए क्योंकि नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको फाइनेंशियल टेंशन हो जाए। उपाय हम आपको बता देते हैं इन समस्याओं से निपटने के लिए, आप भगवान शिव शंकर की पूजा करें और अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ रखें, उत्तर पूर्व दिशा मतलब ईशान कोण वो आपको साफ रखना है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।